वो बता रही थी, सर उसने मुझे अपनी बहन बनाया था, कहता था मेरी कोई बहन नहीं है, प्लीज आप मेरी बहन बन जाओ। सर अगर दोस्ती की बात करता तो शायद मैं उसे इनकार कर देती, लेकिन उसने एक मुकद्दस रिश्ते की बात की थी, मैं इनकार नहीं कर पाई। पूरे 3 महीने वो इंतहाई नेक इंसान बनकर चला, मुझे मुकम्मल भरोसा दिया। एक दिन कहने लगा, आपी मुझे आपको देखना है। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, हालांकि मेरा दिमाग मुझे कह रहा था मैं उसे इनकार कर दूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि नहीं, आपका भाई है, उससे कैसा खतरा। मैंने उसे 2-3 तस्वीरें सेंड कर दी, उसने बहुत तारीफ की, अजीब भी लगा, लेकिन फिर जब उसने यकीन दिलाया कि मैंने तस्वीरें डिलीट कर दी, दिल मुतमईन हो गया। फिर उसके बाद 2-3 दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने मैसेज किया, भाई खैरियत तो है, आपका 2-3 दिन से कोई मैसेज नहीं आया। वो आगे से मुझे खैरियत बताने की बजाय कहता, आयशा मुझे भाई ना कहो। मैंने कहा, क्यों भाई, क्या हुआ, आपने मुझे बहन बनाया है, आपको भाई ना कहूं तो और क्या कहूं। उसने गुस्से से अपनी बात दोहराई, कहता, आयशा मैंने आपको कहा ना मुझे भाई ना कहो। मैंने कहा, हुआ क्या है। आगे से कहता, होना क्या था, जब से आपको देखा है मैं पागल हो गया हूं, मेरे दिलो दिमाग पर पूरी तरह आप छाई हुई हैं। मैंने कहा, क्या मतलब भाई। कहता, फिर से भाई। मैंने कहा, अच्छा बताओ क्या कहना चाह रहे हो। कहता, सीधी बात है, आप मुझे पसंद हो, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये बात सुनते ही मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं आपकी बहन हूं। आगे से कहता, शादी से पहले सभी बहन भाई होते हैं। मैंने कहा, भाई देखो अगर तो ये मजाक है तो मुझे ऐसा घटिया मजाक पसंद नहीं है, और अगर ये हकीकत है तो मेरा नाम भी ना लेना। मैंने आपको सच्चे दिल से अपना भाई माना, अगर मुझे पता होता आपने ऐसा करना है तो मैं कभी आपको भाई बनने का मौका भी ना देती। वो कहता, आपको जो समझना है समझें, मुझे आपसे मोहब्बत है, अगर आपने मेरी मोहब्बत कबूल ना की तो मैं आपका वो हशर करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकती। मैंने गुस्से में कहा, जाओ दफा हो जाओ कमीने इंसान, जो करना है कर लो, आज के बाद मुझसे राब्ता भी ना करना। और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। 4-5 दिन तो मैं सुकून से रही, लेकिन उसके बाद जो हुआ सर वो नाकाबले बयान है, लेकिन आपको बताऊंगी ताकि और बहनें भी ख्याल करें। यहाँ के भाई किसी कसाई से कम नहीं होते। सर हुआ ये कि उसने जब कहा था मैंने तस्वीरें डिलीट कर दी, तब उसने तस्वीरें डिलीट नहीं की थी बल्कि अपने पास सेव कर ली थी, और मुझे स्क्रीनशॉट में दिखाया कि मैंने डिलीट कर दी। अब उसने उन तस्वीरों को फोटोशॉप में इतनी सफाई से एडिट किया कि सर मेरा था और धड़ किसी बरहना औरत का, लेकिन सफाई इतनी थी कि गोया ये मैं ही हूं। उसने मेरे पास किसी और नंबर से वो तस्वीरें भेजी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, फिर जब गौर से देखी तो मेरी टांगों से
एकदम जान ही निकल गई और मेरा दिमाग सुन हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। खैर, थोड़ी देर बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैंने उसे कॉल करके गुस्से से बोला, भाई ये सब क्या है? आगे से कहता, क्यों तुम अंधी हो, तुम्हें नजर नहीं आता? मैंने रोते हुए कहा, भाई मुझे आपसे इस हद तक गिर जाने की उम्मीद नहीं थी, आखिर ये सब क्यों किया? आगे से कहता, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, या तो मुझसे मोहब्बत करो या फिर मैं ये तस्वीरें वायरल कर दूंगा। मुझे फिर गुस्सा आया, मुझे लगा कि अगर मैं उसकी मिन्नतें करूंगी तो ये और सर पर सवार होगा। मैंने गुस्से से कहा, जाओ जो करना है कर लो, कर दो वायरल, मैं नहीं डरती आपसे। उसने उसी वक्त कॉल काटी और मुझे 2 मिनट बाद स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें मेरी एक तस्वीर अपलोड की हुई थी फेसबुक पर। मैं बहुत डर गई। मैंने उसे फिर कॉल की और जोर जोर से रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, खुदा का वास्ता है मेरी तस्वीर डिलीट कर दो, जो कहोगे करूंगी। वो हंसते हुए कहता, वादा करो। मैंने कहा, वादा करती हूं। उसने कॉल बंद कर दी और स्क्रीनशॉट सेंड किया और बोला, देखो मेरी जान, कर दी डिलीट। मैंने कहा, शुक्रिया, दोबारा ऐसा ना करना। कहता, अगर मेरी बात मानोगी मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं मजबूर हो गई, दिन रात उसकी फजूल बातें सुनती। एक दिन कहने लगा, मेरी जान मैंने आपको वीडियो कॉल पर देखना है। मैंने पहले तो इनकार किया लेकिन उसने फिर से धमकी दी, करो कॉल वरना। मैंने डरते डरते कहा, अच्छा आप करो कॉल। जब वो सामने आया, पहले तो कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा, फिर एकदम कहता, ये सीने से अपना दुपट्टा हटाओ। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आज मेरी इज्जत की खैर नहीं। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया और गुस्से में कॉल काट दी और अल्लाह से रो रो के दुआएं मांगने लगी, या अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले, इस इज्जत के दुश्मन से मुझे निजात दिलवा दे, या अल्लाह मैंने आज तक तेरी हद से तजावुज नहीं किया, मौला मेरी एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा ना दे। खुदा की करनी ऐसी हुई कि ये सब बातें बाहर खड़े मेरे भाई ने सुन ली। क्योंकि मेरा कमरा अलग था तो अचानक जब भाई आने लगा, मेरे रोने की आवाज सुनकर रुक गया बाहर ही। जब मैंने मुंह ऊपर किया, भाई अंदर आ गया। कहता, आयशा बेटा क्या बात है, क्यों मेरी बहन रो रही है और कौन इज्जत का दुश्मन? पहले तो मैं उनके गले लगकर खूब रोई, फिर उन्होंने चुप करवाया, आयशा बेटा बताओ क्या बात है। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, मुझे काफी हौसला मिला। खैर, मैंने उन्हें सारी बात बताई। पहले तो उन्हें काफी बुरा लगा, कहते, आयशा आपको थोड़ा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? मैं फिर रोने लगी। भाई कहता, अच्छा अब रो ना, करता हूं कुछ। उन्होंने मुझसे मोबाइल ले लिया और बाहर चले गए। रात गए, वापस आए, तब तक सबको पता चल गया था। सबने मुझे तसल्ली दी कि अब जो होना था हो गया,
भाई खुद ही संभाल लेंगे। जब भाई वापस आया तो मेरे पास बैठ गया, कहता आयशा आज तो मैंने खुद ही बात संभाल ली है, आइंदा ऐसी गलती करना तो दूर, सोचना भी नहीं। मैंने कहा भाई किया क्या आपने? उसने कहा जो भी किया है आज के बाद वो कभी ऐसी हरकत किसी और के साथ भी करने की जुरत नहीं करेगा। खैर मैं चुप हो गई। भाई ने मोबाइल वापस दे दिया और सिमें निकालनी, कहता सिमें मैंने निकाल ली हैं, कल नया नंबर ला दूंगा, लेकिन मेरी बहन दोबारा ऐसा काम कभी ना करना। मैंने वादा किया कि दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। इस कहानी में तमाम लड़कियों के लिए सबक सिर्फ इतना है कि चाहे जो भी हो जाए, यहाँ सगे बाप पर भी इज्जत के मामले में भरोसा ना करें। उस लड़की के तो भाई ने उसके साथ दिया, वो बच गई। आप में से बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जिनका कोई साथ देने वाला भी नहीं होगा, इसलिए इज्जत पर कभी हर्फ ना आने दें, किसी अजनबी से बात ही ना करें। क्या जरूरत है खुद को किसी मुसीबत में डालने की।